नरफाक कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। थाने नौपाड़ा पुलिस ने की मोबाइल चोरों पर बड़ी कार्रवाई। आज 1 मार्च 2023 को थाने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें डीसीपी गणेश गावड़े ने दी पूरी जानकारी। कहा मुमरा से भी हुई है गिरफ्तारी, कुछ मोबाइल्स मुमरा से भी जब्त किए गए हैं। अभी हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी, कहां कहां से मोबाइल्स जब्त हुए और कहां कहां से गिरफ्तारी की गई है। देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस स्टेशन नौपाड़ा में सीआर नंबर 67/23 ये आईपीसी की 457-380 ए धाराओं के तहत दाखिल गुनाह का डिटेक्शन करते समय पुलिस स्टेशन नौपाड़ा की डिटेक्शन टीम ने कौसा मुमरा यहाँ से आरोपी अब्दुल समद नूर मोहम्मद सखानी, इसकी उम्र 27 साल है, ये आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी के पास से 5 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। इससे पुलिस स्टेशन का सीआर नंबर 67 और 3 गुने डिटेक्ट हुए। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन कलवा और पुलिस स्टेशन थाने नगर का 1-1 गुना, ऐसे टोटल 6 गुने डिटेक्ट हुए हैं। वो आरोपी को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही हम थाने सिटी के जोन 1 में स्पेशल ड्राइव मिसिंग मोबाइल्स और मोबाइल थेफ्ट के बारे में ले रहे हैं। ये स्पेशल ड्राइव में पुलिस स्टेशन नौपाड़ा की टीम ने मिसिंग 67 मोबाइल्स और जो अलग अलग गुनाहों में दाखिल चोरी गए हुए 30 मोबाइल, ऐसे एक टोटल 98 मोबाइल्स रिकवर किए गए। आरोपी है अब्दुल समद, या ये मुमरा का ही रहने वाला है? ये कौसा मुमरा का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले के 6 गुने दाखिल है, ये डिटेक्शन में और 6 गुने उसके ऊपर दाखिल हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। सर, जैसा कि बता रहे 3 आरोपी पे ऐसे अभी 1 आरोपी अरेस्ट है और 2 आरोपियों का भी क्या हुआ है उनको उनके बारे में कुछ बता रहे हैं? ये जो पहले के जो गुने, ये पिछले 2 महीने में जो हमने रिकवर किया है, ये जो 98 मोबाइल, इससे 2 अलग अलग गुने हैं। एक ये नहीं, वो प्रेस अलग बात के लिए, ये अलग बात। ये जो सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आपने 98 के, तो ये जो 3 आरोपी ये कहाँ के रहे? ये अलग अलग जगह पे अलग अलग गुनाहों में। मुमरा का 1 आरोपी मिला है, उसके पास से 5 मोबाइल मिले आपको। बराबर ना? थैंक यू। ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।